हेलो फूडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले मिल्क शेक की रेसिपी। सभी मिल्क से बस दो दो मिनट में रेडी हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। तो ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होती है। हम इसे टेस्टी तरीके से बनाएंगे और साथ में हेल्दी बहुत ही होती है। तो यहाँ पर मैं दो ग्लास बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो बनाना को कट कर लिए हैं और कट कर एक मिक्सिंग जार में यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्कूप आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और अगर आप टेबलस्पून से ले रहे हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। उसके बाद एक गिलास दूध डाल देंगे और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शेक रेडी हो चुका है, बनाना मिल्क शेक। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 बर्फ डाले हैं और इस पर हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये हमारा बनाना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो अब हम लोग बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। ये भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मैंगो लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर हम लोग एक मिक्सर जार में डाल देंगे। यहाँ पे आप कोई भी आम ले सकते हैं जो मीठी हो। मीठे आम से ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी मिल्क शेक बनती है। तो अगर आपकी आम थोड़ी खट्टी है तो आप इसमें, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चीनी डाला है, आप वो चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें 1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम डाल देंगे। देन उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे 1 गिलास। देन आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चीनी डाला है और फिर से इसे मिक्सर ग्राइंड में हम लोग मिला लेंगे। तो हमारा ये मैंगो मिल्क शेक भी रेडी हो चुका है। तीनों बहुत ही आसान और ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी ये रेडी हो चुकी है मैंगो मिल्क शेक। अब हम इसमें छोटे छोटे मैंगो के चंक्स ऊपर से डाल देंगे, जो दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने एक और मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी डाली हुई है, आप मेरे चैनल्स पे वो भी देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे ओरियो शेक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। और यहाँ पे हम 1 गिलास ओरियो शेक बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने 1 छोटा पैकेट वाला ओरियो बिस्किट लिया है। इसे हम तोड़ कर इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 स्कूप हम लोग वैनिला आइसक्रीम लेंगे। देन उसके बाद 1 गिलास दूध और 1 टेबलस्पून, छोटी टेबलस्पून से, क्योंकि ऑलरेडी मीठा होता है तो छोटी टेबलस्पून से 1 टेबलस्पून हम लोग चीनी लेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके फिर हमारा ये ओरियो शेक रेडी हो चुका है। अब हम इसे ग्लास में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लास में निकाल लिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे वैनिला आइसक्रीम, कुछ चॉको चिप्स, देन उसके बाद चॉकलेट सिरप। एकदम रेस्टो और कैफ़े जैसे बनकर रेडी हो चुकी है ओरियो शेक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है मोहब्बत की शरबत। ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके एक मिक्सर जार में हम लोगों ने लिया है तरबूज, मैंने बीज निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने 5 से 6 टेबलस्पून इसमें रुआवजा डाला है। देन उसके बाद 1 स्कूप मैंने यहाँ पर वनीला आइसक्रीम लिया है। लास्ट में हम लोग इसमें डालेंगे दूध और इसे अच्छे तरीके से हम लोग मिक्सर जार में मिला देंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से मिलाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगती है मिलने में तरबूज वगैरह। तो अच्छे तरीके से मिला के फिर इसे हम एक गिलास में निकाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये सारी रेसिपी, आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू और इन्जॉय दिस रेसिपी।